के जिलाध्यक्ष रामकृष्ण साह उर्फ मोहन साह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि पिछले 8 सालों से एम्स निर्माण को लेकर सहरसा में संघर्ष चलता रहा है, लेकिन सरकार की नजर अभी तक सहरसा पर नहीं पड़ी है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ जमीन भी उपलब्ध है, जो जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक जमीन की कागजात को पहुँचाया गया है, फिर भी सरकार सहरसा और समस्त कोसी वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि वैश्य समाज सहरसा भी पूर्व से निर्धारित सहरसा बंदी जो 31 जुलाई को होगा उसका समर्थन करती है। और आज मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग भी लगातार इन निर्माण सहरसा में हो इसके लिए कदमताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे और एम्स निर्माण को लेकर जो भी करना होगा लगातार इस प्रयास को जारी रखेंगे, क्योंकि यह कोसी का इलाका है। यहाँ अधिकतर लोगों की जिंदगी दवा पर टिकी हुई है। कोई भी बड़ी बीमारी होने के बाद सहरसा में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, लोगों को दरभंगा या पटना रेफर किया जाता है, जहां जाने के क्रम में ही रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सहरसा में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, एम्स निर्माण सहरसा में जल्द से जल्द करवाया जाए। सहरसा में एम्स निर्माण के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सहरसा में जमीन उपलब्ध है, 45 दिनों का कराया गया, लेकिन सरकार के राजनीतिक निर्देश के कारण आज तक सहरसा में एम्स नहीं बन रहा है। इनको दरभंगा में ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। कोसी प्रमंडल सहरसा यहाँ पर के कोसी का मरीज का यहाँ के लोग झेल रहे हैं, एक भी यहाँ अस्पताल नहीं है। यहाँ के लोगों को यहाँ तक सिर्फ रिफर किया जाता है, जो महीना बीत जाते आते दम तोड़ देता है। महीना में कम से कम 10 से 20 आदमी हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, और सरकार इसके लिए कहीं से भी कोई चिंताजनक स्थिति में नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ एम्स बनाया जाए, यहाँ के लोगों को जरूरी है। सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सब कुछ आज जनता त्राहि त्राहि में है और सरकार जरा से भी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं यहाँ सिर से सिर एम्स निर्माण कराया जाए। जमीन उपलब्ध है, सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध किया गया, फिर भी यहाँ बनाने के लिए तैयार नहीं है। 31 जुलाई को सहरसा बंद किया गया। हाँ, उसमें हमारे जितने भी व्यवसायी हैं सबसे हम आग्रह करेंगे और वैश्य समाज के लोगों से अपना अपना दुकान बंद करके पूर्ण सहयोग करें और सब रोड पर उतरेंगे, हम उसमें साथ देंगे। आगे आपके द्वारा एम्स निर्माण को लेकर किस तरह से आंदोलन किया जाएगा? आगे हम लोग इसके बाद एक ज्ञापन देंगे वैश्य समाज की ओर से डीएम साहब को, इसके बाद चरणबद्ध तरीका से हम आंदोलन करेंगे। जब तक एम्स यहाँ दिया नहीं जाएगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। नीतीश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार लगातार सहरसा के और कोसी के की तरफ उनका जो नजरिया है वो सौतेला नजरिया रहा है, किसी तरह का विकास नजर नहीं आ रहा है सर जमीन पे, क्या कहेंगे? हम नीतीश सरकार से आग्रह करेंगे कि वो सहरसा में एम्स निर्माण करवाए और सहरसा में जमीन उपलब्ध है इनके लिए लिखें, या यहाँ की जनता भी उनको वोट देती है, आगे चुनाव है, यदि इस तरह से नहीं करते हैं तो यहाँ की जनता उनसे हिसाब लेगी। क्या नाम हुआ आपको? राम किन साहब और मोहन प्रसाद साहब, जिला अध्यक्ष वैश्य समाज सहरसा। देखिए, लगातार सहरसा विकास के मामला में पिछड़ रहा है। आजादी के वर्षों के बाद सहरसा में विकास क्या हुआ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज एम्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा करा कि सहरसा उत्तर बिहार में एक एम्स बनाएंगे तो उसी समय से सहरसा के लोगों ने आप भी बार बार इसको लेकर पत्राचार, आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जा चुका। अब 31 तारीख को सहरसा के आम जनमानस रोड पर उतरने के लिए तैयार है। उस कड़ी में वैश्य समाज सहरसा पीछे रहने का काम नहीं करेगी और वैश्य समाज सहरसा भी अपने साथियों से रोड पर उतरने का काम करेगी। हम आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, वर्षों से सहरसा पिछड़ा हुआ। सहरसा में ना तक एयरपोर्ट बन सकता है, ना ओवर ब्रिज बन सकता, ना मेडिकल कॉलेज है, ना किसी का संस्थान है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो बजाज के पेपर मिल रहे जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ, अब 20 साल के साथ नीतीश कुमार जी एक मतलब बजाज के पेपर मिल के चालू नहीं करवा सकते हैं। रोजगार के लिए हम लोग भटक रहे हैं, मैंने सहरसा का जो पलायन जो है एक जो है अहम हिस्सा बन चुका है। आप देखिए जनसेवा ट्रेन भी अमृतसर के लिए जाती है, दिल्ली के लिए जाती है, क्योंकि बिहार का लोग हजारों मजदूर और फरार कर रहे हैं। आखिर सहरसा कब निकलेगा? सहरसा में कब मेरा रोजगार आएगा? हम लोग 31 जनवरी को पूरे दल बल के साथ सहरसा एम्स के मुद्दे पर बाजार के व्यवसायियों के साथ हम सड़क पर करने का काम करेंगे।